नमस्कार दोस्तों, डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर बायोलॉजिस्ट फेडरिका बर्तोचिनी ने 2017 में साल 2017 में एक अहम खोज की। मशहूर बायोलॉजिस्ट फेडरिका बर्तोचिनी जब एक मधुमक्खी का छत्ता साफ कर रही थी तो उनको कुछ कीड़े दिखे। आमतौर पर होता यह था, वो कीड़ों को निकाल कर एक अलग जगह पर रख देती थी, एक डिफरेंट प्लेस पर रख देती थी, तो वो कीड़े मर जाते थे। मगर इस बार उन्होंने कुछ डिफरेंट किया, उन्होंने छत्ते से कीड़े निकालकर एक प्लास्टिक के बैग में रख दिए। और हुआ ये कि वो कीड़े प्लास्टिक के बैग को कुतर कर बाहर निकल गए, यानी कि उन्होंने प्लास्टिक को खा लिया। इस टॉपिक को 2 मिनट के लिए यहीं पर रोकते हैं। अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। एक प्लास्टिक वो होता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दूसरा प्लास्टिक वो होता है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। और दूसरे टाइप का प्लास्टिक, यानी कि जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, वही प्लास्टिक पोल्यूशन है, वही प्लास्टिक का कचरा है, जो दुनिया भर के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया भर में जितनी भी प्लास्टिक खपत है उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसी प्लास्टिक है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल, कैरी बैग्स, ऐसे प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ है, और सबसे ज़्यादा कचरा वही फैला रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हम हर साल लगभग 500 अरब प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ कर ले रहे हैं। 500 अरब एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, क्योंकि वो प्रत्येक थैली सिंगल पॉली बैग भी ना पॉल्यूशन फैला रही है। ओशियंस में हम हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक का कचरा छोड़ रहे हैं। भारत सरकार के जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 26,000 टन जो प्लास्टिक का कचरा है वो इंडिया से ही जनरेट हो रहा है। बहुत गंभीर बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि इतना प्लास्टिक हम यूज़ कर दे रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कि वो सब समुद्र में जाकर समुद्री जीवों को इस कदर नुकसान पहुंचा रहा है। एक्चुअल में फूड चेन के टॉप पर हम हैं। समुद्र के जीव क्या कर रहे हैं, वो प्लास्टिक खा रहे हैं, उसके बाद हम समुद्री जीवों को खा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी बॉडी में जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है। प्लास्टिक जब पहली बार दुनिया में आया था तो ये मनुष्य के लिए बहुत काम की चीज़ थी। काम की चीज़ इसलिए थी क्योंकि ये कभी ख़राब ना होने वाला था। 19वीं शताब्दी के मिडिल में बिलियार्ड्स की गेंद बनाने के लिए हाथी के दांत की जगह कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जा रहा था, क्योंकि हाथी के दांत बहुत रेयर चीज़ थी और बहुत महंगे हुआ करते थे। तब जॉन विस्ले हयात ने कई साल अपने कारखाने में बिताए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने सेलुलॉइड की खोज की। सेलुलॉइड एक सिंथेटिक प्लास्टिक है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, गिटार पिक्स और टॉयज इत्यादि। इन सब की फोटो इमेजेस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब चीज़ें सेलुलॉइड से बनी हुई थी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मैंने इस वीडियो में प्लास्टिक की बात इसलिए की क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ कीड़े बताए थे जो प्लास्टिक की थैली को खाकर बाहर निकल गए थे, उनका नाम है मील वॉर्म्स। और वो मील वॉर्म्स कीड़े ऐसे कीड़े हैं जो प्लास्टिक को खाकर पचा जाते हैं। मशहूर बायोलॉजिस्ट मिस फेडरिका का कहना यह है कि ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि ये कीड़े मील वॉर्म्स प्लास्टिक को खा भी सकते हैं और उसको पचा भी सकते हैं। अब कीड़ों को लेकर लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी कि इन कीड़ों के अंदर ऐसा क्या है कि ये कीड़े प्लास्टिक को भी नहीं छोड़ते, उनको भी पचा जाते हैं। दरअसल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के जो मशहूर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर जॉन मैगियन, वो बताते हैं कि इन कीड़ों के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो एक ऐसा एंजाइम पैदा करते हैं जो प्लास्टिक को पचा जाता है, प्लास्टिक को गला देता है, उसका डिग्रेडेशन कर देता है। प्रोफेसर जॉन बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये कीड़े या उनमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया से एंजाइम्स को अलग करके बायोरिएक्टर्स में उनका ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। अब समुद्र में तो ये हम एंजाइम छिड़क नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि हर साल समुद्र में लगभग 80 लाख टन कचरा जा रहा है। अब समुद्र में इन एंजाइम को छिड़कने का कोई फ़ायदा नहीं है, मगर प्लास्टिक की डिग्रेडेशन में ये एक अहम रोल निभा सकते हैं। आमतौर पर प्लास्टिक एक या दो बार रिसाइकल करने के बाद ख़राब हो जाती है, और जो लास्ट में प्लास्टिक बचती है रिसाइकल होने के बाद, मैक्सिमम कचरा उसी प्लास्टिक का होता है, तो ये कीड़े उस प्लास्टिक को गलाने में, उसको डिग्रेड करने में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और करंटली कार्बियोस नाम की एक फ्रेंच कंपनी प्लास्टिक बोतल को रिसाइकल करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ भी कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। You'll see all these different images and videos and things that go around online that show really dramatically how plastic can kill animals at sea. It can rip through their intestines, or it can fill them up or block the passage of food through their bodies.